Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today, in geometry chapter, we will do one activity based on circle and draw circle by using compass. So, activity is how to find the center of circle and to draw circle using compass. Here is compass. You will need a circular object.

अब आपका ये सर्किल जो कट गया इसको फोल्ड करेंगे फोल्ड इट इन हाफ टू ऑपटेन अ क्रीज जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो आपको एक क्रीज मिलेगा ठीक है देखिए एक क्रीज मिला अगेन फोल्ड द पेपर इन हाफ एंड अ न्यू क्रीज इज ऑप्टेन्ड जब आप इसे दोबारा फोल्ड करेंगे दूसरी साइड से तो आपको एक क्रीज और मिलेगा एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल और जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो क्या है आपका सेंटर ऑफ द सर्किल द पॉइंट वे आर द टू क्रीज मीट इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर शीट द टू क्रीज लाइन्स आर द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर शीट नाउ दिस सर्कुलर शीट एक्टिविटी यू विल पेस्ट इन योर नोटबुक एंड दिस इज रेडियस क्योंकि डायमीटर का जो हाफ होता है वो क्या होता है रेडियस होता है अब इसे आप अपनी कॉपी में पेस्ट कर लीजिएगा ठीक है हियर जोमेट्री बॉक्स रूलर दिस इज स्क्वायर शेट इससे हम पैरेलल लाइन अपर पेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं नाउ दिस इज प्रोटेक्टर दिस इज इरेजर शॉर्पनर एंड दिस इज कम्पास कम्पास क्या होता है कम्पास एक जोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सर्किल बनाने में यूज करते हैं तो टुडे वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ सर्किल बाय यूजिंग कंपास नाउ यहाँ पे हम देखिए आप अभी जो कंपास है इसमें हम पेंसिल को एडजस्ट करेंगे ठीक है पेंसिल को शार्प कर लीजिए अब हम इसमें एडजस्ट करेंगे एडजस्ट द टिप ऑफ पेंसिल टू बी इन ए लाइन विद द टिप ऑफ द कंपास कंपास की टिप और पेंसिल की टिप इक्वल होनी चाहिए Now place the compass tip at the center of the page this point will be the center of the circle hold the compass at the same point and move the pencil tip around when you come back to the point from where you start moving the pencil tip a circle will be formed as you seen here and जहां से हमने स्टार्ट किया था जहां पे हमने कंपास का टिप रखा तो वो क्या है सेंटर ऑफ सर्किल अब हम सर्किल का कोई पार्ट अगर ले लेते हैं जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं पार्ट ऑफ सर्कुलर इज कॉल्ड आर्क इसको हम क्या बोलते हैं आर्क बोलते हैं जैसे मैंने पेंसिल से थोड़ा सा डार्क करके बताया हुआ है द बाउंड्री लेंथ ऑफ एनी सर्किल इस कॉल्ड सर्कम जो सर्किल की लेंथ होती है बाउंड्री होती है उसकी जो लंबाई होती है वो क्या होता है सर्कम होता है नाउ जो भी लाइन सेंटर से होकर गुजरती है मुझे क्या बोलते हैं डायमीटर ठीक है ये कॉर्ड भी है ये भी कॉर्ड है लेकिन जो कॉर्ड सेंटर से होके जाता है वो क्या होता है डायमीटर होता है अब हम स्केल की हेल्प से रेडियस मेजर करेंगे मैंने यहाँ पे लिया है फोर पॉइंट सेवन सेंटीमीटर की लेंथ रेडियस क्या है 4.7 सेंटीमीटर की लेंथ अब हम क्या करेंगे नाउ प्लेस द कंपास टिप एट द सेंटर ऑफ द पेज दिस पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्किल होल्डिंग ए कंपास एट द सेम पॉइंट मूव द पेंसिल अब आप देखिए सर्किल बन गया ना मैंने रेडियस कितना लिया था 4.7 सेंटीमीटर का रेडियस डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल डायमीटर होता है तो यहाँ पे देखिए 9.4 आया तो 9.4 सेंटीमीटर क्या आया आपका डायमीटर आया ये रेडियस ये डायमीटर चलिए हम चेक कर लेते हैं कि डायमीटर जो हमारा आया है मेजर करने पर स्केल से क्या वो सही है तो डायमीटर इज इक्वल टू टू इंटू आर होता है तो टू मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है फोर पॉइंट सेवन सेंटीमीटर है ठीक है अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे फोर पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई बाई टू सेवन टू फोर्टीन को फोर वन कैरी फोर टू हजार एट वन नाइन नाइन पॉइंट फोर सेंटीमीटर आ गया इसका मतलब आप जो है स्केल से रेडियस ड्रॉ करके आप डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं और आपको अगर पता करना है कि आपका डायमीटर जो निकला है स्केल के थ्रू वो सही है तो आप रूल लगाकर फॉर्मूला लगाकर आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आपने रेडियस सही लिया है कि नहीं नाउ इट इज प्रैक्टिस टाइम ड्रॉ सर्किल बाय यूजिंग कंपास रेडियस इज गिवन बिलो एंड फाइंड डायमीटर क्या दिया है फोर सेंटीमीटर बी रेडियस 5.5 सेंटीमीटर सी रेडियस 6 सेंटीमीटर रेडियस 3.8 सेंटीमीटर ई रेडियस 7 सेंटीमीटर तो आपको क्या करना है आपको बस स्केल से मेजर करना है रेडियस 4 सेंटीमीटर का स्केल और कम्पास से मेजर करना है उसके बाद आपको सर्किल ड्रा कर देना है सर्किल ड्रा करने के बाद आपको डायमीटर पता चल जाएगा और भी होने के लिए कि आपका जो डायमीटर स्केल से मेजर करने पर आया है वो सही है कि नहीं आप क्या करेंगे डायमीटर इज इक्वल टू टू इन आर होता है आप फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट कंटेंट तब तक के लिए बाय थैंक यू